सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी राजा कौस के छोटे भाई ख्वाजा और पप्पू वारिस अली बड़ा ताजबाग निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से 22 ग्राम एमटी ड्रग्स और मोबाइल फोन सहित करीब 2,36,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपी मुंबई से दुरंत एक्सप्रेस ट्रेन से नागपुर रेलवे स्टेशन पर आते ही दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार अपराध शाखा पुलिस विभाग को सूचना मिली थी कि अपराधी राजा गौस का छोटा भाई ख्वाजा और पप्पू वारिस अली मुंबई से एमटी ड्रग्स लेकर नागपुर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने दस्ते के साथ शनिवार को सुबह रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया और पप्पू को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसे 22 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ सीताबर्डी थाने में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। अपराध शाखा पुलिस विभाग के उपायुक्त गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। कल एनडीपीएस पथक को जानकारी मिली सवेरे लगभग 3:30-4 बजे कि मुंबई से डुरंटो गाड़ी आ रही है नागपुर के लिए और उसमें जो राजा गौस जो है जो अभी जेल में बंद है जो एक कुख्यात गुनेगार है उसका भाई है ख्वाजा उर्फ पप्पू वारिस अली वो भी हसनबाग का रहने वाला है तो वो ड्रग्स की खेप लेके वहाँ मुंबई से आ रहा है ऐसी जानकारी मिली। उसके हिसाब से फिर हमारे एनडीपीएस के जो इंचार्ज है सार्थक नेते साहब उन्होंने और हमने फिर एक ट्रैप वहाँ पे नियोजित किया। उसके तहत कुछ अलग अलग टीम बनाई गई कि डुरंटो में वो कहाँ मतलब उतर सकता है। एक टीम अजनी रेलवे स्टेशन पे थी, एक जो 8 नंबर का प्लेटफॉर्म है जहाँ डुरंटो आती है वहाँ पे थी और एक लोहा पुलिया के पास भी थी क्योंकि वहाँ पे गाड़ी स्लो हो जाती है तो थोड़ा सा वो हमको आशंका थी कि वो वहाँ पे उतर सकता है। तो जैसे हमारी आशंका थी उसी मुताबिक वो वहाँ से उतरा और ऑलरेडी हमारे पास उसका फ़ोटो भी था कि ये बंदा जो है नाम का ये आ रहा है उधर से करके। तो गुप्त बातमीदार ने पहले से हमको फोटोग्राफी भेज के रखा था तो जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरा लोहा पुलिया के पास में तो वहाँ पे हमने एनएमसी पुलिया के पास उसको धर दबोचा और उसके पास हमको एमडी बरामद हुई। एमडी हमको जो है वो 22 ग्राम 10 मिलीग्राम एमडी उससे प्राप्त हुई है। उसका जो हैंडसेट जो है मोबाइल वो हमने सीज किया है उसमें भी कुछ नए खुलासे हो जाएंगे और वो किसको देने वाला था ये अभी पीसीआर में है वो तो वो हम जानकारी ले रहे हैं किसके पास से लाया था वगैरह। टोटल मुद्देमाल हमारा 2,36,000 का मुद्देमाल हमने उसमें सीज किया। नहीं, एमडी में उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, बाकी जो गुने जो है वो उसके ऊपर दर्ज है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ तिशा हटवार, बीसी न्यूज़ नागपुर।